पौने तीन घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, तो शुरुआती रुझान तो इसको नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं। राजीव ठीक कह रहे थे कि अगर किसी ने 1 लाख की बढ़त बना ली है उसको पाट पाना शायद मुश्किल होता है, वो एक ट्रेंड दिखाने लगता है कि हर इलाके से वोट पड़ रहे हैं। पर लेकिन सुकेश ये भी ध्यान देने वाली बात है, जहां का अंतर है वो वोट बांटा जा सकता है। पर ये भी ध्यान देने वाली बात है राजीव कि जिन तीन सीटों पर ये बड़ा अंतर है तीनों में बीजेपी आ गई, तीनों में बीजेपी जीते 2 लाख से ज्यादा वोट। इसका इसमें कोई ट्रेंड है क्या कि जहां ज्यादा लीड आ गई है वहां बीजेपी आ गई? नहीं, ये तीनों सीट ऐसी है, अभी आश्चर्यजनक तौर पर है कि अभी प्रधानमंत्री 50,000 से ज्यादा लीड से नहीं है बनारस से, लेकिन इन तीनों सीटों पर लाख के करीब लीड हो चुकी है अभी जितनी गिनती हुई है। लीड से आ रहा है, एक लीड जो सबसे ज्यादा होगी अभी देश में वो अमित शाह की लीड है, वो 3.5 लाख वोटों से आगे चल रहा है अभी से 3.5 लाख। इसका मतलब अमित शाह अगर गांधीनगर से 3.5 लाख वोटों से आगे हैं तो गुजरात का नतीजा आप समझ सकते हैं। 2-3 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य जहां बीजेपी आया, तो मैं बता दूं 25 सीटों पे बीजेपी आगे है, 1 सीट पे कांग्रेस आगे। ओके, गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से अच्छी खबर आ रही है, दक्षिण के कुछ राज्यों से अच्छी खबर आ रही है बीजेपी के लिए, लेकिन बहुत सारे राज्यों से बुरी खबरें। आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र से अच्छी खबर है, उनके उम्मीदवार नवीन जिंदल से आगे चल रहे हैं करीब 5,000 वोटों से। वही नवीन जिंदल जो हाल में कांग्रेस से बीजेपी में आए। विनोद जी, अब शुरुआती रुझान कहें क्या? नहीं, यह रुझान कहना शुरू कर दे हम। नहीं, अभी ये शेप कर रहा है इलेक्शन रिजल्ट, अब इसमें अगर 1 घंटा और रुक जाएंगे तो ठीक रहेगा। अब जैसे करनाल वाली सीट है जिसमें कि छोड़े मार्जिन से खट्टर साहब आगे हैं, आपको पता है पिछली बार ओवर 6 लाख मार्जिन से छोटा छोटा रुई जैसा बाल रहता है उसको जाड़ापन करता है।